TennisCricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। शरद कासिट स्पोर्ट्स कोल्हापुर और रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला के बीच में चलता हुआ मुकाबला, जिसमें शरद कासिट स्पोर्ट्स कोल्हापुर ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया है रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला को। छत्री पावसाला थांबू शकत नाही, पण पावसात थांबण्याची धाडस नक्की देऊ शकते, तसेच आत्मविश्वास यशस्वी होण्याची खात्री देऊ शकत नाही, पण संघर्ष करायची प्रेरणा नक्की देऊ शकते। झाडावर बसलेला पक्षी फांदी हारल्यानंतर घाबरत नाही, कारण त्याला स्वतःच्या पंखावर विश्वास असतो। इस बीच दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला और आज की नाइट का आखिरी मुकाबला शुरू। इसमें चलते हैं आज की नाइट का आखिरी मुकाबला, निर्णायक मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, तो देखना होगा कौन सी टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। इस बीच रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला और शरद काशित स्पोर्ट्स कोल्हापुर गेम ऑन अंपायर का निर्णय। इस बीच सलामी की जोड़ी बीच मैदान में कुणाल और प्रथमेश पवार, स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज कुणाल, उसी के साथ साथ गेंदबाजी मार्ग पर नितिन गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं। छे छे ओवर का मैच। नितिन गेंदबाजी मार्ग पर, अंपायर का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, अच्छे अंपायर करते हैं। अंपायरिंग की ओर से अगर देखा जाए तो नितिन अपनी तरफ से पहली टीम की तरफ से पहली ओवर लेकर। इस बीच अच्छा शॉट, पहली गेंद में आते ही साथ स्वागत किया कुणाल ने, गेंद जाती हुई मिड विकेट क्षेत्र से सीमा रेखा पार। हेलो मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी सीमारेषेच्या आसपास राहायचं, रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठबावच्या सर्व स्वयंसेवकांनी सीमारेषेच्या आसपास राहायचं। आभार व्यक्त करता आहोत, धन्यवाद, थैंक यू। इस बीच पहली गेंद में अच्छा शॉट लगाया, पुल किया, गेंद गई मिड विकेट क्षेत्र में चार रनों के लिए। इस बीच अगली गेंद उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का ठीक तरह से संपर्क हुआ नहीं, गेंद जाती वॉलम तौर पर एट मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर तैनात एक रन लिया, दूसरे रन की मांग और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, इस दो रन की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 6 रन, स्कोर बोर्ड पे लग चुका है। नितिन गेंदबाजी मार्ग पर, बहुत ही बड़ा मुकाबला आज की नाइट का आखिरी मुकाबला यानी क्वार्टर फाइनल मुकाबला। कौन सी टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, देखने वाली बात हो सकती है, सोचने वाली बात हो सकती है, जबकि कोल्हापुर और वेंगुर्ला के बीच में चलता हुआ मुकाबला। अगली गेंद नितिन
इस समय बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद ने टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा सा चकमा देके गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, स्कोर अब भी वही पे रुका हुआ, 6 रन पर रुका हुआ। जबकि देखा जाए तो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, बड़ा मुकाबला, निर्णायक मुकाबला, जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। महकती ठंडी में इतना रोमांचक मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला चलता हुआ। इस बीच शफल और फुल टॉस, गेंद जाती हुई मिड विकेट, बाउंड्री लाइन बाहर, कड़ा प्रहार। टीम का स्कोर पहुंचा इस चौके की मदद से 10 रन स्कोरबोर्ड पे। अगली गेंद नितिन की समय स्लोअर गेंद डाली, गेंद चकमा देने वाली, गेंद गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, कुणाल और प्रथमेश पवार के बीच में ये सलामी की जोड़ी आई है। रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला और शरद काशी स्पोर्ट कोल्हापुर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। इस बीच लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, गिल्लियां निखर गई, सामने वाली टीम बिखर गई, त्रिफला उद्ध्वस्त। थैंक यू डीजे। संधी ही चाहत बुडलेल्या बिस्किटासारखी असते, थोडा उशीर झाला तर हातातून गेलीच समजा। एक विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 10 रन, जबकि एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 10 रन एक विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज जाते हुए बबलू पाटिल, मैन फ्रॉम पुणे, और एक ओवर से देखा जाए तो प्रथमेश पवार उर्फ नाना, मैन फ्रॉम सावरडे। दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही बड़े बल्लेबाज है, आशा कुटला गांव ने तिकड़े या फलंदाजा नाव नहीं। एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जबकि 10 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुका है एक विकेट के नुकसान पर। साउंड सुरभि साउंड, लाइट सुरभि लाइट, साथ में कैमरामैन यदनीत और अथर्व अच्छा कैमरा शूट करते हुए अच्छा अपना काम निभाते हुए। स्कोरर मेरे साथ में सोनम चौहान, गुण लेखक स्क्रीन पर संदेश मौजूद। इस बीच प्रथमेश पवार गेंद जाती हुई अलोंग द कारपेट कवर क्षेत्र में, फील्डर तैनात, एक रन मिलेगा जरूर। इस एक रन के मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 11 रन स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ। स्ट्राइक पर आए हैं बबलू पाटिल, मैन फ्रॉम पुणे, एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं बबलू पाटिल। वन डाउन की बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, वन डाउन की बल्लेबाजी अगर देखी जाए तो काफी महत्वपूर्ण बल्लेबाजी होती है। इस बीच जबकि टीम का स्कोर 2 अंकों में 11 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं, बहुत ही बड़ा शॉट, चेंडू जातो सीमा रेखा पार, खड़खड़े। थैंक यू डीजे, 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 थैंक यू डीजे। जिस तरह से मैंने बात की बबलू पाटिल, बड़े बड़े शॉट लगाने की क्षमता आते ही साथ, पहले ही गेंद में कड़ा प्रहार किया, सीमा रेखा भार किया, गेंद को 6 रनों के लिए, दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक, चेंडू जातो सीमा रेखा पार, 6 रन। उस 6 रन के मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 17 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुका है। बबलू पाटिल एक छक्का लगाकर अब स्ट्राइक पर मौजूद, अगली गेंद सामना करेंगे झील सिंह। इस बीच इसे कहते हैं क्रिकेट अलोंग द कारपेट, खेला गेंद जाती हुई कवर के क्षेत्र में, चिप फील्डिंग की, इस एक रन के मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 18 रन। प्रथमेश पवार, नाना, सावरडे। सावरडे में जब मैं कमेंट्री करने गया था तब प्रथमेश पवार ने मुझे चांस दिया था, वही बल्लेबाज मैदान के भीतर बल्लेबाजी करते हुए सलामी की बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। इस बीच जेल सिंह की गेंद डिफेंसिव अंदाज में खेला, बहुत ही अच्छा डिफेंस किया वहां पर। अगर क्रिकेट में रिस्पेक्ट किसी को है तो यॉर्कर और सचिन रमेश तेंदुलकर को रिस्पेक्ट मानी जाती है क्रिकेट में। इस बीच दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, टीम का स्कोर 18 रन। अगली गेंद फुल टॉस, नामुन्नना चेंडू जातो सीमा रेखा पार।
थैंक यू डीजे। टीम का स्कोर इस छक्के की मदद से 24 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुका है। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ प्रथमेश पवार अगली गेंद। इस बीच बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। दो ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 24 रन एक विकेट के नुकसान पर, यानी पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। अब चार ओवर का खेल बाकी है, 24 गेंदों का खेल बचा है। जबकि देखा जाए तो रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ले और शरद काशित स्पोर्ट्स कोल्हापुर के बीच में चलता हुआ मुकाबला, जिसमें कोल्हापुर ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया है रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ले को। क्रिकेट एक दबाव का खेल है, अगर ये गेम वेंगुर्ला और कोल्हापुर के बीच में जुड़ा हो तो ये दबाव दुगना हो जाता है। नितिन आए हैं अपने अपने तरफ से दूसरी और टीम के तरफ से तीसरी ओवर लेके, जबकि पहला ओवर डाला था 10 रन खर्च किए थे अपने पहले ओवर में। अब दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर आए हैं अपने टीम की तरफ से दूसरी और टीम की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आए हैं नितिन। इस बीच बबलू पाटिल सामना करेंगे। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट रोवा सा टीम, गेंद और बल्ले का संपर्क ठीक तरह से, वाइट चेंडू जातो सीमा रेखा पर। थैंक यू डीजे। पुणे ब्रांड बबलू पाटिल का बल्ला बोलता हुआ बीच मैदान पर हल्ला बोलता हुआ बहुत ही अच्छी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए, गेंदबाजी में थोड़ा प्रेशर, क्रिकेट में पहला जो सी लगता है वो कॉन्फिडेंस, उस कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी नितिन को। जबकि तीसरा ओवर का जिम्मा लेकर आए हैं अपनी तरफ से दूसरा टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके बबलू पाटिल, अगली गेंद सामना करेंगे। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट रिवर्स वे स्टांस बदली किया और डिफेंस किया, अरे नजरें जमाई रखी और एक रन मिला। इस एक रन के मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 29 रन स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ। अब स्ट्राइक पर गए हैं प्रथमेश पवार उर्फ नाना, बल्लेबाजी मार्ग पर गए हैं। जबकि मुंबई में शिवड़ी में रहते हैं। इस बीच नितिन की अगली गेंद, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क ठीक तरह से हुआ नहीं, गेंद जाती हुई अलोंग द कारपेट, फील्डर आते फील्ड करते एक रन मिला। इस एक रन के मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 30 रन स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ। संयम भरी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज नजर आते हुए प्रथमेश पवार, कोकन के ही है, सावरडे गांव से बिलोंग करते हैं, और बबलू पाटिल पुणे ब्रांड। अगली गेंद, ओ चकमा देने वाली गेंद, गेंद बल्लेबाज तो बल्लेबाज, विकेट कीपर भी बीट होते हुए गेंद जाती हुई वहां पर लॉन्ग स्टॉप के क्षेत्र में, और इस बीच दो रन पूरे कर लिए 22 के रूप में। ये दो रन के मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 32 रन स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ, 32 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुका है। जबकि तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, क्रिकेट में गलती को माफी नहीं, थोड़ी सी गलती पड़ सकती है महंगी, चुकीला माफी नहीं। बबलू पाटिल मैन फ्रॉम पुणे अगली गेंद खेलने के लिए तैयार। इस बीच स्लो और फुल टॉस थी, रिवर्स अटेम्प्ट और चेंडू जातो कवर के। डीजे मधुर संगीत सुरभि साउंड, अगली गेंद नितिन,
इस बीच अलोंग द कार्पेट गेंद जाती हुई फील्डर तैनात कवर क्षेत्र में एक रन मिलेगा। इस एक रन के मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 37 रन। इस बीच तीन ओवर का खेल में सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रारंभीच्या तीन षटकांचा खेळ समाप्त होतोय। धन्यवाद सोलकर। प्रारंभीच्या तीन षटकांचा खेळ समाप्त आणि बबलू पाटील नाना जो फलंदाजी करतोय मैदानावर त्यांच्या फलंदाजीच्या जोरावर तब्बल 37 धावांचा आकडा गाठतोय। सुरुवातीच्या तीन षटकांच्या सांगते अखेरीस रोहित स्पोर्ट वेंगुर्लेचा संघ। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला एक मोठा संघ या स्पर्धेत त्याची गाठ पडते कोल्हापूर या बलाढ्य अशा संघाशी। जो संघ कोल्हापूरवरनं आमच्या या स्पर्धेत दाखल होतोय आणि या कोल्हापूर संघांच्या गोलंदाजांची मात्र पुरती धुलाई करताना दिसत आहेत ते बबलू पाटील आणि प्रथमेश पवार। स्ट्राईक एंडवर बबलू पाटील सज्ज होतोय जो महाराष्ट्र पोलीस सेवेमध्ये मपो म्हणजे महाराष्ट्र पोलीस सेवेमध्ये सेवा बजावतोय तो बबलू पाटील हा स्ट्राईक एंडवर। गोलंदाजासाठी थोडासा रनिंगमध्ये अडथळा निर्माण पंचांकडनं जेड चेंडू असल्याचा इशारा। 37 धावा धाव फलकावर गोलंदाजी मार्कवर येतोय तो गोलंदाज अवधूत नावाचा। वैयक्तिक उड्यातलं पहिलं आणि संघाच्या माध्यमातून तिसरं षटक टाकण्यासाठी बबलू पाटील 7 चेंडूंचा सामना करतोय। 17 धावा धाव फलकावर जमवतोय। थोडस एक नाट्यमय या ठिकाणी आपल्याला उदाहरण पाहायला मिळते ते मैदानावर वारंवार गोलंदाज रनिंग साठी येतोय। सलग 2 वेळा त्याच्या रनिंग मध्ये अडथळा निर्माण होतोय। बबलू पाटील पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीपचा अटेम्प्ट करतोय आणि त्याचा हा पवित्रा पाहिल्यानंतर गोलंदाज चेंडू आपल्या हातात ठेवत थोडासा रनिंगचा अडथळा या मैदानावर पाहायला मिळतोय तो गोलंदाजांमध्ये। पुन्हा एकदा बबलू पाटील स्ट्राईक एंडवर सज्ज होतोय गोलंदाजीसाठी येतोय तो गोलंदाज अवधूत पंचांच्या डाव्या बाजूकडं। याही वेळेस त्रिवस्तीपचा टेम पंचांकडनं अतिरिक्त चेंडू असल्याचा इशारा। हा गोलंदाज अवधूतचा हा चेंडू अतिरिक्त स्वरूपाचा असा पंचांचा सिग्नल आणि त्यानंतर गोलंदाज अवधूतच्या जखमेवर मीठ चोळणारा इशारा हा पंचांचा फ्रीडचा चेंडू असल्याचा। या हा फ्रीडचा चेंडू प्रथमेशसाठी मनाजोगा फटका खेळण्याची संधी। ज्या क्षेत्रात चेंडू फटकवायचा त्या क्षेत्रात चेंडू फटकवण्याची संधी ही प्रथमेश उर्फ नानाला या चेंडूवरती पाहायला मिळते फ्रीडचा चेंडू। यावेळेस सुंदर असा फुल टॉच पद्धतीचा चेंडू नानाला फटकवायचा होता स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात। चेंडू आणि बॅट याच्यामध्ये थोडस अंतर राहतंय। चेंडू जातो तो स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात आणि त्यावेळी एकेरी धाव मात्र नानाच्या खाती नोंदवली जात धाव संख्या परावर्तित होते ती 40 धावा धाव फलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात। बाद झालेला फलंदाज कुणाल हा स्वस्तात माघारी जातोय। एका गड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या धाव फलकावर दिसते ती 40 धावा आणि 14 षटक हे प्रगतीपथावर। अवधूत हा गोलंदाज बबलूसाठी बबलू ब्रँडेड फटका डी स्कोर लेग सीमा रेषेचं उल्लंघन करतोय। चेंडू जातोय सीमा रेख दहा चेंडूंचा सामना करतोय आणि 25 धावाची खेळ ही बबलू पाटीलची या मैदानावर पाहायला मिळते।
बबलू हा महाराष्ट्र पोलीस सेवेमध्ये सेवा बजावत असतानाच क्रिकेटचा अतिशय चाहता, क्रिकेटवरती प्रेम करणारा, पुणे जिल्ह्यातील एक नामवंत असा हा खेळाडू पुण्यावरनं खास आमच्या स्पर्धेत दाखल होतोय आणि आपल्या तमाम चाहत्यांना आपल्या खेळीनं खुश करणारी खेळी ही बबलू पाटीलची या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळते. याचं संपूर्ण श्रेय जातंय ते रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठबाव या सर्व स्वयंसेवकांना, या स्पर्धेच्या आयोजकांना, त्यांच्या माध्यमातून भव्य दिव्य अशी प्रकाश जातात ही क्रिकेट स्पर्धा आपण अनुभवत असताना. मोठमोठ्या दिग्गज खेळांचा खेळ पाहण्याची संधी ही देवगडवासियांना या मैदानावर उपलब्ध होते. देवगड येथील मिठबावचं नाव अखंड महाराष्ट्रामध्ये या स्पर्धेच्या माध्यमातून घेतलं जातंय. बघता बघता ही स्पर्धा संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरली जाते युट्यूबच्या माध्यमातून, वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून. याही वेळेस रिवर्स स्वीपचा अटेम्प्ट, यावेळेस रिवर्स स्वीपचा अटेम्प्ट केला होता बबलू पाटीलनं. मात्र ज्यावेळेस पाहिलं की बबलू पाटीलचा रिवर्स स्वीपचा पवित्रा, त्यावेळेस अवधूत थोडासा चेकने चॅनाक्स मनानं चेंडू टाकतोय. तो लेग स्टंपवरचा चेंडू जातोय तो कवरच्या क्षेत्रात. यावेळेस प्रथम मेसाठी ऑर पिच चेंडू, चेंडू बहुधा सीमारेषेचं उल्लंघन करतोय पण मंडळाचे स्वयंसेवक यांनी त्या ठिकाणी माडाच्या सीमारेषे लगेच आपण बसायचंय. माड आहेत त्या ठिकाणी, खेळाडू चेंडू घेऊन येतोय. याही वेळेस एक मोठा फटका प्रथमेश उर्फ नानाच्या बॅट मधनं जातोय तो मिडी विकेटच्या क्षेत्रात. षटकरण सांघिक धावसंख्या धाव फलकावर झळकली जाते ती 57 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. बाद झालेला कुणाल हा लवकरात लवकर माघारी गेल्यानंतर प्रथमेश आणि बबलू पाटील यांच्यामधली ही भागीदारी एका सुस्थितीत नेऊन ठेवणारी ती रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ले संघासाठी. क्रिकेटमध्ये भागीदारीला अतिशय महत्व असतं. सुरुवातीच्या फलंदाजांनी जर फाउंडेशन रचलं तर त्यानंतर येणारा फलंदाज हा त्यावरती कळस रचतो अशी ही क्रिकेटमधल्या सामन्यांची आपल्याला रणनीती पाहायला मिळते. आणि त्याच रणनीतीचा अवलंब करत प्रथमेश पवार आणि बबलू पाटील या मैदानावर धावांचा रतीब रचताना दिसते ती ही जोडगोळी. पंच मैदान साफ करायला माणसं पाहिजेत. सांघिक चौथ षटक हे समाप्त आणि धावसंख्या धाव फलकावरती 4 षटकांच्या सांगते अखेरीस 59 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ले संघाची पाहायला मिळते. चार षटकांचा प्रारंभीचा खेळ समाप्त. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक बलाढ्य असलेला रोहित स्पोर्ट वेंगुर्लेचा संघ प्रथमेश आणि बबलू पाटीलच्या धुवाधार फलंदाजीच्या जोरावर प्रतिस्पर्धी संघाच्या गोलंदाजांवर आक्रमण करतोय आणि या आक्रमणात संघाचे गोलंदाज कोल्हापूर संघाचे गोलंदाज पुरते नामोहरण होताना दिसत आहेत ते बबलू आणि प्रथमेशच्या फलंदाजीच्या जोरावर. स्ट्राईक एंडवर आता मात्र बबलू पाटील सज्जवतोय षटकारांचा बादशाह, चौकारांचा सहेनशाह म्हणून ज्याला ओळखलं जातं. बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये ज्याला मालिकावीराचा किताब प्राप्त होतो बबलू पाटीलच्या बॅटमधनं एक उत्तुंग असा फटका निघतोय तो स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात. चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग क्षेत्राचं उल्लंघन करत सीमारेषेचं उल्लंघन करतोय 4 धावांसाठी. जलसिंगच्या पहिल्या वहिल्या चेंडूवर एका खराब चेंडूचा समाचार घेतोय तो बबलू पाटील आपल्या बॅटमधनं 4 धावांसाठी. 63 ही धावसंख्या गाठली जाते धाव फलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात.
एक मोठी भागीदारी मैदानावर बबलू पाटील आणि प्रथमेश पवार यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते तमाम क्रीडा रसिकांना. आणि या मोठ्या दिग्गज खेळाडूंचा खेळ पाहण्याची संधी ही मिठभाव वासियांना मिळते ती रामेश्वर प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून. यावेळेस खोल टप्प्यावरच्या चेंडूवरती बबलू पाटीलकडे कोणतंही उत्तर नव्हतं. बबलू पाटील मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न करतोय, पंचांचा 22 इशारा येतोय आणि अतिरिक्त धावेने धावसंख्या एक पावलानं सरकते. धावसंख्या होते धावफलकावरती 64 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. 64 अशी सांघिक धावसंख्या जे तमाम क्रीडारसिक या मैदानावर हजेरी लावतात त्यांना मात्र बबलू पाटील आणि प्रथमेश पवार यांच्या बॅटमधली सुरेख अशी खेळी या मैदानावर साकारताना पाहता येते ती रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठभावच्या माध्यमातून. यावेळेस चेंडू हवेमध्ये जातोय आउटसाइड एज बॅटची घेतोय स्वतः गोलंदाज चेंडूच्या खाली आणि बहुधा प्रथमेश हा निश्चितच नशीब घेऊन या सामन्यात उतरतोय. त्याला एक जीवनदान मिळतंय, जीवनदानाचा फायदा निश्चितच उचलेल तो प्रथमेश पवार. एका मोठ्या फलंदाजाला या सामन्यात पुन्हा एकदा फलंदाजी संधी उपलब्ध होते ते अर्थातच जलसिंग या गोलंदाजाच्या माध्यमातून. जलसिंग स्वतः गोलंदाजीवर उडालेला झेल टिपण्यात असफल ठरतोय. यावेळेस एक सुरेख फटका चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनच्या क्षेत्रात बबलू जाईल डग. सांघिक 65 धावा दोन गड्यांच्या मोबदल्यात बबलू पाटीलची सुरेख अशी खेळी संपुष्टात येते. 16 चेंडू आणि 34 धावांची बहारदार खेळी ही बबलूच्या बॅटमधून अनुभवता येते ती तमाम मिठभाव वासियांना. नवीन फलंदाज सँडी कुंडेकर हा मैदानावर संदेश उर्फ सँडी कुंडेकर हा मैदानावर प्रवेश करतोय. चौथ्या क्रमांकावर त्याची वर्णी लागते रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ले संघाच्या वतीनं. पाचव्या षटकाचा खेळ हा प्रगतीपथावर जलसिंग वैयक्तिक कोट्यातल्या दुसऱ्या षटका दरम्यान सँडीसाठी. यावेळेस सुरेख असा चेंडू ऑफ टेम्बरचा हेलिकॉप्टर पद्धतीचा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न असफल. सँडी कुंडेकर निर्धाव चेंडू सँडी कुंडेकर साठी पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूने धावसंख्या धावपलकावर स्थिरावली जाते ती 65 धावा 5 षटकांच्या सांगते एकरीस दोन गड्यांच्या मोबदल्यात रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ले संघाची धावसंख्या 65. आपल्याला ही स्पर्धा युट्यूबच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरलेली पाहायला मिळते. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 65 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 5 षटकांच्या सांगते अखेरीस. सलामीचा फलंदाज एका बाजूने किल्ला लढवतोय तो प्रथमेश उर्फ नाना पवार बिडॉंग करतोय चिपळूण वरून. मुंबई येथे स्थायिक असलेला त्याचं घर खऱ्या अर्थानं चिपळूण येथे, मात्र मुंबईमध्ये नोकरीनिमित्त व्यवसायानिमित्त राहत असलेला नाना उर्फ प्रथमेश पवार हा मैदानावर. त्याच्या साथीला सँडी कुंडेकर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक ऑलराऊंडर असा खेळाडू गोलंदाजी फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणामध्ये अग्रगण्य ज्याचं नाव सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पटलावर टेनिस क्रिकेटमध्ये घेतलं जातं तो नॉर्थ ट्रेक एंडला सँडी कुंडेकर फलंदाजीसाठी आणि स्ट्राईक एंडवर प्रथमेश उर्फ नाना. यावेळेस नानाचा एक सुंदर असा फटका तो मिड विकेटच्या क्षेत्रात जोपर्यंत मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवे चेंडूची परती अचूक अशा स्वरूपात ही यष्टीरक्षकाच्या हाती पहिल्या वहिल्या चेंडूवर पहिल्या इनिंगच्या अंतिम षटकातील नाना एकेरी धाव पूर्ण करतोय आणि एकेरी धावीने धावफलक वधारला जातोय तो 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 66 या धावसंख्येवर. अजूनही पहिल्या इनिंगच्या अंतिम षटकातील 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि गोलंदाजीसाठी येतोय नितीन कटले नावाचा हा गोलंदाज. यावेळेस बहुधा डग आउट मध्ये जाईल. मी हाय कोरी सोरी
शिकार होतोय तो अर्थातच फलंदाज सँडी कुंडेकर. नवीन फलंदाज सुनील मालवणकर हा मैदानावर प्रवेश करतोय. तत्पूर्वी स्ट्राईक इनला नाना पवार. यावेळेस नानाच्या बॅटमधून एक सुरेख असा नेत्रदीपक फटका डीप कव्हर पॉइंटच्या डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं चेंडू जातोय आणि जोपर्यंत डीप एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक चेंडूची परती करेल बघता बघता दुहे एकदा गोलंदाज नितीन हा गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. तो प्रथमेशसाठी बहुधा धावचित करण्याची संधी. ज्यावेळी स्टिक पडली होती जर कदाचित गोलंदाजाने स्टिक तिने उचलली असते हातामध्ये तर कदाचित फलंदाज हा बाद होऊ शकला असता. मात्र फलंदाज सुरक्षित आपल्या घरात पोहोचतोय तो सुनील मालवणकर आणि धावसंख्या मात्र स्थिरावते धावफलकावर 70 धावांवर. 70 अशी सांघिक धावसंख्या सामना सहा षटकांच्या या लढतीतलं. पुन्हा एकदा प्रथमेश हा स्ट्राईक एंडवर. गोलंदाजीसाठी नितीन. प्रथमेशसाठी खोल टप्प्यावरचा चेंडू ज्या पद्धतीने दरीतनं चेंडू बाहेर काढावा त्या पद्धतीचा फटका हा प्रथमेशच्या बॅटमधनं पाहायला मिळतोय. तो स्कोअर लेगच्या क्षेत्रात जोपर्यंत स्कोअर लेगचा क्षेत्ररक्षक चेंडूची परती करेल दुहेरी धावांची लहर मैदानावर उठली जाते आणि दुहेरी धावांनी धावफलक झळकतोय तो 72 धावांवर. प्रतिस्पर्धी संघाच्या गोलंदाजांचा कडवा मारा बोथट ठरवणारी फलंदाजी ही रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ले संघाची तमाम क्रीडारसिकांना अनुभवता आली आणि याचं संपूर्ण श्रेय हे रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठभाव या आयोजकांना जातंय. त्यांच्या कुशल नियोजनातनं आपण साकार करत असलेला मिठभाव चषकाचा हा थरार. पॅवेलियन मध्ये जावं लागेल गेंद अंदर दंडी बाहेर प्रथमेशची खेळी संपुष्टात. तर रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठभाव चषकाच्या या दुसऱ्या दिवसातील अंतिम सामन्या दरम्यान आपण पाहतो आहोत एक महत्वपूर्ण असा सामना. तो रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला विरुद्ध शरद काशी स्पोर्ट कोल्हापूर या दोन संघादरम्यान. प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 6 षटकांच्या सांगते अखेरीस 72 धावा धाव फलकावर जमवतोय तो रोहित स्पोर्ट वेंगुर्लेचा संघ आणि प्रतिस्पर्धी कोल्हापूर संघाला जो शरद काशी स्पोर्ट कोल्हापूरचा संघ विजयासाठी 36 चेंडू आणि 73 धावांची आवश्यकता या आजच्या दिवसातील अंतिम सामन्या दरम्यान. तर पाहूया 36 चेंडू आणि 73 धावांचा पाठलाग कशा पद्धतीने करतोय तो शरद काशी स्पोर्ट कोल्हापूरचा संघ की 36 चेंडू आणि 73 धावांसाठी या मैदानावर किती काळ झुंजवतोय तो क्षेत्ररक्षण करणारा रोहित स्पोर्ट वेंगुर्लेचा संघ. काय घडेल काय बिघडेल या महत्वपूर्ण अशा लढतीत. कोणता संघ रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठभावच्या उपांत्य फेरीत पोहोचणारा दुसरा संघ ठरेल आणि कोणत्या संघाचं स्वप्न या सामन्याच्या निमित्तानं अपूर्ण राहील. कोणत्या संघाचा प्रवास या सामन्यात थांबेल आणि कोणत्या संघाचा प्रवास या सामन्याच्या निमित्तानं पुढे चालू राहील हे सांगण्यासाठी मायक्रोफोन देतात आमचे सहकारी श्याम वाकर. ऐकत रहा पाहत रहा श्याम वाकर यांचा आवाज आणि आपण अनुभव घेत आहोत पाहत आहोत रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठभावचा डे नाईट ओरम टेनिस वर क्रिकेटचा महोत्सव. आजच्या दिवसातील या महत्वपूर्णाच्या सामन्यात मी अमोल जमदाडे तमाम क्रीडारसिकांची आजच्या दिवसासाठी रजा घेतोय आणि ऐकूया श्याम मक्कर यांचा आवाज. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.
शुक्रिया अमोल। तो फिर एक बार मैं श्याम वक्कर आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। एक बहुत ही बड़ा विशाल स्कोर खड़ा किया है कोल्हापुर टीम के सामने रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम ने 73 रनों का उसका पीछा करते हुए पहली गेंद, हालांकि फुल टॉस गेंद, कवर के क्षेत्र में बढ़िया तरीके से खेला बल्लेबाज ने। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद उठाकर खेला पॉइंट के क्षेत्र में, कैच होने का संभावना और पहला विकेट गिरता हुआ कोल्हापुर टीम का और पहला ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब रहते हुए रोहित स्पोर्ट्स बेंगलुरु के बॉलर। बजाएगा म्यूजिक का तो विजय यहां पर एक पहला ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब रहते हुए झील सिंह को पवेलियन का रास्ता देखना पड़ेगा। फिर एक बार विजय बॉलिंग मार्ग पर, उनके सामने नए बल्लेबाज है। इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से दो खिलाड़ियों के बीच में से खेला भाई शॉट, लेकिन फील्डिंग बहुत ही बढ़िया रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम के, एक ही रन पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। 3 स्कोर है एक विकेट गिरने के बाद एक बड़ा विशाल स्कोर का पीछा करते हुए 73 रनों का विजय, जो कि ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से दौड़ते हुए और उनके नाम में ही जय लिखा हुआ है। तो विजय सामने बल्लेबाज के लिए, इस बार काफी तेज रफ्तार से डालने की कोशिश, कंधे का अतिरिक्त इस्तेमाल करना चाहते, थोड़ा तेज रफ्तार से डालना चाहते थे इसलिए अपनी लेंथ और लाइन से गलती कर बैठे। वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ 4 एक विकेट गिरने के बाद स्ट्राइक पर बल्लेबाज जो कि प्रमोद खेलने के लिए तैयार। इस बार काफी तेज रफ्तार से फिर एक बार गेंद डाली थी, उतनी तेज रफ्तार से बल्ला भी घुमाया था लेकिन बैटर बॉल के बीच में कोई संपर्क नहीं होता। विकेट कीपर जो कि प्रथमेश पवार बढ़िया विकेट कीपिंग का दायित्व निभाते हुए पहले इनिंग में क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, चौके छक्कों की जिन्होंने बरसात की थी वो प्रथमेश पवार विकेट कीपिंग का दायित्व निभाते हुए। फिर एक बार बॉलिंग मार्ग पर विजय, इस बार धीमी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, धीमी गेंद डाली थी, घुमाव प्राप्त किया और बैटर बॉल के बीच में संपर्क नहीं, वही कहानी दोहराते हुए बॉलर बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर रूम बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। इस ओवर में अभी तक 2 गेंदे वाइड के रूप में मिली है, 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिले हैं। पहले इनिंग में देखा जाए तो बल्लेबाजी के हिसाब से बबलू पाटिल ने 34 रन, मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की ओवर झाल्यानंतर जरा मैदानावरती जायचं आहे मैदान साफ करण्यासाठी। तो इसी के साथ ही पहला ओवर खत्म होता हुआ, बहुत ही बड़ा नपातुला ओवर रहा विजय का।
तर ते सर्वेश आणि चिन्मय अतिशय चांगली कामगिरी बजावत आहेत. त्यांच्या घरातील लोक बघतील तर म्हणत असतील आमच्या घरात हे काम करत नाहीत पण मैदानावरती काम करत आहेत. तो फिलहाल पहला ओवर खत्म हो चुका है. पहला ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है एक विकेट गिरने के बाद 5 रन. बहुत ही नाजुक हालात, हालांकि एक बड़ा विशाल स्कोर खड़ा किया है 73 रनों का और उसका पीछा करना है तो बड़े शॉट यहां पर चाहिए कोल्हापुर टीम की ओर से. आसिफ शेख ये देखिएगा कहां पर गेंद डालना चाहते थे, मेरे ख्याल से समुन्दर में गेंद चली गई है उनके हाथों से छुटकर. डेढ़ बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ. आसिफ शेख बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, पिछले मैच में हमने देखा था एक ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप से बल्लेबाजी हो बॉलिंग हो बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए आसिफ शेख इस प्रतियोगिता के दरमियान दिखाई देते हुए. तो फिर एक बार दूसरे ओवर की पहली गेंद हमारे दूर वाले छोर से बहुत अच्छी गेंद, उतनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहां पर बल्लेबाज जो कि अमर बल्लेबाजी करते हुए. अमर ने पहले मैच में 3 बड़े सिक्सर जड़े थे, कुछ छोटे कद के हैं लेकिन छोट कद कद और पद की क्रिकेट में देखा नहीं जाता. स्कोर में बढ़ोतरी होती, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंच चुका एक विकेट गिरने के बाद 6 रन. बड़े शॉट की दरकार यहां पर कोल्हापुर टीम के लिए. पिछले मैच में हमने देखा था कि 3 ओवर में 4 ओवर में 22 रन बनाए थे लेकिन उसके बाद एक बल्लेबाज ऐसे आए जिन्होंने 3 गेंदों में ही 23 रन बनाए, तो मैच का रुख कभी भी पलट सकता है. बहुत बढ़िया गेंद आसिफ की, घुमाव बढ़िया तरीके से प्राप्त करते हुए इस मैदान के ऊपर. और बल्लेबाजों को बहुत ही परेशान किया है इस सीरीज में, पूरी सीरीज में देखा जाए आज के दिन में तो काफी प्रभावित किया है आसिफ शेख ने बॉलिंग करते हुए और बल्लेबाजों को काफी परेशान भी किया है, रनों पर अंकुश लगाया है, विकेट भी लिए है, बल्लेबाजी भी बहुत की. तो आज का दिन आसिफ शेख का रहेगा बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए. तो फिर एक बार अमर खेलने के लिए तैयार, अंपायर की दाईं हाथ की ओर से दौड़ते हुए आसिफ की एक गेंद, फुल टॉस गेंद, खूबसूरत तरीके से खेला हुआ शॉट, शॉट कवर के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन पर संतुष्ट रहना पड़ेगा. ये खराब गिनती, फुल टॉस गिनती, इसके ऊपर बड़ा शॉट खेल सकते थे. फिलहाल बैट और बॉल के बीच में बढ़िया तरीके से संपर्क नहीं कर सके, उसका ही नतीजा 1 रन पर ही संतुष्ट रहते हुए. फिर एक बार आसिफ शेख बॉलिंग मार्ग पर बाहर जाती हुई गेंद के साथ छेड़छाड़ करना चाहते थे, थर्ड मैन की दिशा में खेला शॉट, थर्ड मैन के खिलाड़ी दौड़ते हुए जाते, 1 रन मिलेगा जरूर. फिलहाल हर गेंद के ऊपर सिंगल रन ही मिलता हुआ नजर आ रहा है और सिंगल रन देने में कोई कठिनाई नहीं है यहां पर रोहित स्पोर्ट वेंगुरला टीम के लिए. लोग कहते हैं कि सहेली और हवेली आसानी से नहीं बनती, हम कहते हैं बंदे में दम होना चाहिए, सहेली फोन पे और हवेली लोन पे बनती है. बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, इस बार मिड विकेट की दिशा में गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. शुक्रिया डीजे. इस बार मौका था यहां पर, लगता है थोड़ी बहुत गलतियां हुई होगी शायद प्रथमेश के पास से, लेकिन एक अच्छा शॉट यहां पर अमर के बल्ले से देखने को मिला. इसी के साथ ही 2 ओवर खत्म हो चुके हैं. 2 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 1 विकेट गिरने के बाद 15 रन, 73 रनों का पीछा करते हुए. चलते हैं हमारे सुरभि साउंड सिस्टम के पास. तो फिलहाल 2 ओवर 1 विकेट और 15 रन, 75 रनों का पीछा करते हुए अंपायर दो हमारे तजुर्बे वाले ठंडी के इस वातावरण में दीपक धुरी और एम्ब्रोज अल्मेडा अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए बढ़िया अंपायरिंग इस प्रतियोगिता के दरमियान. उमेश मांजरेकर हो, मंगेश धुरी हो, बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग हमें देखी है.
अच्छे गेंद यहां पर, और अंपायरों के बारे में मैं कह रहा था कि ये देखिएगा, बहुत बढ़िया थ्रो यहां पर, बहुत ही बढ़िया थ्रो, विकेट और गिरता हुआ एक। आसिफ शेख जिस प्रकार से बॉलिंग डाली थी उसके बाद अब विजय फिर एक बार बॉलिंग का भार संभालते हुए, और उनके सामने बल्लेबाज जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, एक बड़ा शॉट भी जिनके बल्ले से हमको देखने को मिला था, वो अमर बल्लेबाजी करते हुए विजय की गेंद का सामना करने के लिए। रिवर्स स्वीप का प्रयास लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर, इतनी बाहर की अंपायर वाइड बॉल का इशारा करते हुए एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ, एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 2 विकेट गिरने के बाद 16 रन 73 रनों का पीछा करते हुए, अभी भी 57 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। और तीसरा ओवर प्रगति पर है विजय बॉलिंग मार्क पर, इस बार मिड विकेट की दिशा में खेलने का इरादा था बल्लेबाज अमर का, लेकिन गेंद काफी नीचे रहती हुई, बल्ला ऊपर से ही घुमाया, विकेट कीपर के पास गेंद चली जाती, इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो फिर एक बार विजय धीरे धीरे बॉलिंग मार्क पर जाते हुए ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से दौड़ते हुए ये गेंद, इस बार शॉर्ट गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आते उठाते गेंद को थ्रो करते एक रन पर ही संतुष्ट रहते रहना पड़ेगा। बहुत ही धीमी गति के साथ यहां पर रन बना रहे हैं बल्लेबाज, कछुए की चाल की तरह रन बनाते हुए, हालांकि खरगोश की तरह रन बनाना चाहिए, काफी भाग दौड़ कर बड़े बड़े शॉट खेलकर रन बनाना चाहिए, लेकिन वो बल्लेबाजी कोल्हापुर के बल्लेबाजों द्वारा नहीं देखने को मिलती हुई। विजय की यह गेंद अवधूत के लिए अच्छी गेंद, पॉइंट के क्षेत्र में बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला भाई शॉट, एक रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं, वहां पर खिलाड़ी तैनात किए गए हुए हैं, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, खूबसूरत थ्रो उनका देखने को मिलता हुआ, स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 18 रनों के ऊपर 2 विकेट गिरने के बाद 73 रनों का पीछा करते हुए, यानी कि अभी भी 55 रनों की जरूरत है। विजय फिर एक बार अमर के लिए जो एक सिक्सर जड़कर बल्लेबाजी करते हुए, फिर एक बार वही कहानी देखने को मिलती हुई, एक रन आसानी के साथ लेते हुए विजय और आसिफ शेख जिस प्रकार से बॉलिंग डाल रहे, पूरी तरीके से दबाव में रखते हुए बल्लेबाजों के ऊपर, पूरी आज के दिन में हर मैच में देखा है रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला की ओर से बॉलिंग करते हुए विजय और आसिफ ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। यहां पर रिवर्स स्वीप का प्रयास बल्लेबाज अवधूत द्वारा, एक रन जरूर मिलेगा, अंपायर क्या इशारा करते हैं बल्ले से आता हुआ एक रन, तो इसी के साथ ही 3 ओवर खत्म हो चुके हैं, 3 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 2 विकेट गिरने के बाद 20 रन 73 रनों का पीछा करते हैं, यानी कि बचे हुए 18 गेंदों के ऊपर 53 रनों की जरूरत है, बचे हुए 18 गेंदों के ऊपर 53 रनों की जरूरत है। ऐसी ही सिचुएशन कुछ पिछले मैच में भी थी कि 12 गेंदों के ऊपर 53 रनों की जरूरत थी, और यकायक महेश नाम के बल्लेबाज आए थे, 3 गेंदों में 23 रन बनाए थे और जीतने के लिए 9 गेंदों में 30 रन, ऐसी सिचुएशन के ऊपर बनती मैच आई थी। फिलहाल यहाँ पर कुछ अलग सिचुएशन है, मैं शाम वक्कर आज के दिन के लिए आज के रात के समय आप सभी दोस्तों से अलविदा लेता हूँ, आगे हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर जो कि राहित सोलकर जी, शुक्रिया।
सिंगल मिला मराइट सोलकर इस टूर्नामेंट में सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। YouTube के माध्यम से जितने भी लोग अपनी नींद खराब करके अपना कीमती वक्त देते उन सबका भी हार्दिक स्वागत। इतनी महकती ठंडी में हाई वोल्टेज मुकाबला चलता हुआ जबकि देखा जाए तो चौथी ओवर का खेल लेकर आए हैं आसिफ मैन फ्रॉम पुणे। इस बीच शॉर्ट पिच दिशा की गेंद थी, नो मैन्स लैंड में गेंद गिरी, मिड विकेट क्षेत्र में एक रन पूरा कर लिया, दूसरे रन की मांग, अंपायर से रन आउट की अपील मगर अंपायर ने नकारा, दो रन मिले। इस दो रन के मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 23 रन, स्कोर बोर्ड पे लग चुका है। करके शांत बैठो, डर के शांत नहीं बैठना चाहिए। मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो जीत गए, तो ठानना चाहिए, जीतने का सोचना चाहिए। दिल्ली दूर है मगर मन बना लो तो दिल्ली भी पहुंच सकते हैं। आसिफ मैन फ्रॉम पुणे, अगली गेंद। इस बीच स्वीप करना चाहते थे, दिशा देना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। दूसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, आज की नाइट का अंतिम मुकाबला, कौन सी टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, थोड़े ही समय में सब कुछ पता चल जाएगा। वक्त किसके साथ है वो देखने वाली बात है। अब देखते हैं कौन किसका साथ देता है और वक्त किसका साथ देता है। आसिफ फिर एक बार अगली गेंद, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, राइट हैंड वो। इस बीच रिवर्स का टीम गेंद जाती हुई, पॉइंट के क्षेत्र में एक रन मिला, डीप बैकवर्ड पॉइंट। इस एक रन के मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 24 रन। महकती ठंडी में इतना हाई वोल्टेज मुकाबला चलता हुआ देखा जाए तो अब भी कई दर्शक यहां पर मौजूद, इस मैच को देखने के लिए मौजूद है। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त देकर यहां पर मौजूद। अगली गेंद आसिफ की, इस बीच बड़ा शॉट, स्ट्रेट हिट गेंद, दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक, चेंडू जातो इसी। डीजे मधुर संगीत, सुरभि साउंड और सुरभि लाइट्स यहाँ पर इंतजाम किया गया है, बहुत ही अच्छा नजर आता है। इस बीच बहुत ही अच्छा शॉट लगा, स्टैंड एंड डिलीवर ऑन द अप, चेंडू जातो सीमा रेखा पार। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 30 रन। यानी फिर एक बार अच्छा शॉट, गेंद को जाना, परखा और गेंद बहुत ही बेहतरीन कैच किया वहां पर, आखिरी समय तक नजरें जमाए रखी और कैच। सचिन एक अच्छा कैच पकड़ा वहां पर, थैंक यू डीजे। टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पे 30 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुका है, 43 रन की आवश्यकता है, 12 गेंदे और 43 रनों की आवश्यकता। काय गड़ेल काय बिगड़ेल, कौन जीतेगा कौन हारेगा, नए बल्लेबाज राहुल जिन्होंने इसके पहले वाले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी। और इस बीच अब क्वार्टर फाइनल का मुकाबला अब देखना होगा, 12 गेंदे 43 रनों की आवश्यकता। क्रिकेट में रंग बदलते वक्त नहीं लेता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत से दर्शक बोलते होंगे ये टीम जीतेगी वो टीम जीतेगी, मगर क्रिकेट अनुशुकताओं का खेल है, इसके सामने प्रेडिक्शन भी फेल है। नए गेंदबाज नितिन गेंदबाजी मार्ग पर आए, मैन फ्रॉम पुणे, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, इस बीच शफल हुए, व्हाट अ शॉट, चेंडू जातो सीमा रेखा पार, खनखनी षटकार। नितिन के पहले गेंद में गेंद को जाना, परखा और गेंद गई डीप स्क्वायर लेग की दिशा में सीमा रेखा पार करते हुए 6 रन। उस 6 रन के मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 36 रन।
11 गेंदे और 37 रनों की आवश्यकता, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला निर्णायक मुकाबला। कौन सी टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी? मधुर संगीत सुनाते हुए सुरभि साउंड, दोनों कैमरामैन अपना काम बखूबी अंजाम निभाते हुए। अगली गेंद रिवर्स अटेम, गेंद जाती हुई ऑलोंग द कार्पेट डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, फील्डर तैनात। एक रन मिलेगा, दूसरे रन की मांग ना मना किया, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 37, यानी अब 10 गेंदों में बनाने पड़ेंगे 36 रन। काय आहे क्रिकेट, समोराचा संघ खूप मजबूत आहे हे माहीत असूनही सामने जिंकण्याची हिम्मत दाखवणे हा आहे क्रिकेट। आज जर कोणी आपल्याला ओळखत असेल तर एक चांगला खेळाडू म्हणून, नाहीतर कोणी पण आपली ओळख दाखवली नसती। 10 चेंडू आणि 36 धावांची आवश्यकता, मोसम असताना एवढा चांगला गेम चालू असताना। इस बीच स्टेप आउट हुए थे, कदमों का प्रयोग किया था अवे फ्रॉम द बॉडी, खेलने का प्रयास मानो प्रयास प्रयासी रहा। और गेंद जाती हुई विकेट कीपर के हाथों में, प्रथमेश पवार उर्फ नाना मैन फ्रॉम सावरडे, मुंबई में रहते शिवडी में। इस बीच 9 बॉल और 36 रनों की आवश्यकता, सफल हुए फिर इस बीच बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ ठीक तरह से, संपर्क होना चाहिए इस बीच समझ नहीं पाए। अब 8 गेंदे और 36 रनों की आवश्यकता, प्रथमेश पवार उर्फ नाना विकेट कीपर नितिन गेंदबाजी पर। इस बीच अच्छा शॉट गिरे पड़े संभले, शॉट जाते हुए मिड विकेट क्षेत्र में, एक रन मिला। कोइंसिडेंस की अगर बात की जाए तो मैच में भी बैट छूटा, यानी कहीं ना कहीं बैट छूटने से कोई ताल्लुक जुड़ा है। एक रन मिला, इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 38 रन। अब 35 रनों की आवश्यकता, नितिन की अगली गेंद का सामना करेंगे अमर, राइट हैंडेड बल्लेबाज, लॉफ्टेड शॉट, शॉट अच्छा है, फील्डर तैनात, अन्ना गलती करते हुए कैच को पकड़ा, अमर की पारी भी खत्म। डीजे वापर केला पाहिजे, शब्द दुआ है, शब्द दावा है, शब्द माणूस की साथ ठेवा है। तो सबसे अच्छा मुझे लगा, मैं यहां पर इस गांव में आया, हर एक मिडबाव वासी अच्छी तरह से खातिरदारी की, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं पूरे मिडबाव वासियों का। इस बीच क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ, मेरे साथ में गुण लेखक मौजूद सोनम चौहान, स्क्रीन पर अथर्व मौजूद, कैमरामैन एक तरफ श्रीयश जो अभी तक खड़े हैं, पहले मैच से लेके अभी तक खड़े हैं, और साथ ही साथ यदनीत भी है कैमरामैन सोनम चौहान, गुण लेखक, और साथ ही साथ सुरभि साउंड एक अच्छा साउंड निभाते हुए, शब्बीर भाई कोलापुर वाले, उनकी तरफ से लाइट है यहां पर। अब 6 गेंदों में बनाने हो गए आपको 7 चेंडू आणि 35, यानी 6 गेंदों में 6 छक्का लगाने पड़ेंगे, हो सकते हैं बन सकते हैं, जिस तरह ने युवराज सिंह ने लगाए थे 6 गेंदों में 6 छक्के, उसी तरह से छक्के लगाने पड़ेंगे। बैट्समैन नितिन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अगर देखा जाए तो युवराज सिंह भी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज थे और नितिन भी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। 6 गेंदों में आवश्यकता है 35 रनों की, 6 गेंदों में लगाने पड़ेंगे 6 छक्के। गणेश पहला ही गेंद, अच्छा शॉट लगाया, गेंद कवर के क्षेत्र में गई, आउटफील्ड थोड़ी सी खराब होने की वजह से कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस बीच फील्डर को ऐसा लगा था कि 3-4 रन भागेंगे, मगर एक भी रन नहीं मिला, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त फील्डर वहीं पे खड़े। अब 5 गेंदे और 35 रनों की आवश्यकता, गेंदबाजी मार्ग पर गणेश, अगली गेंद सामना करेंगे 38 रन स्कोरबोर्ड पे। प्रथमेश पवार नाना की अगर बात की जाए तो 2017 अगस्त में जो रेनी टूर्नामेंट हुई थी उसमें मैं कमेंट्री करने के लिए गया था और प्रथमेश पवार इन्होंने मुझे कमेंट्री करने का चांस दिया था सावरडे में, तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और वो एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं सावरडे गांव में, और मुंबई में रहते हैं, बड़े बड़े टीम से खेलते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इस बीच राहुल बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, गेंद जाती हुई अलोंग द कार्पेट मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर तैनात। एक रन मिलेगा जरूर, इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 40 रन, स्कोर बोर्ड पे लग चुका है, टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। काय घड़ेल काय बिगड़ेल, कौन जीतेगा इस मैच में केवल औपचारिकता बाकी। गणेश
कि अगली गेंद का सामना करेंगे, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, गेंद पैरों से टकराए, रन लेना चाहते थे, हाँ इस बार में मना किया ना। दो गेंदे और 33 रनों की आवश्यकता, दोन चेंडू आणि 33 धावांची गरज। स्पिन सफल हुए, खेलना चाहते थे बड़ा शॉट, मगर गेंद और बल्ले का ठीक तरह से संपर्क हुआ नहीं, गेंद जाती हुई वहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर तैनात, एक रन मिलेगा, इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 41 एक चेंडू आणि 32 धावांची गरज। राहुल इसी के बीच मैच को जीता है, रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आज के दिन के लिए, मैं कातली से रोहित टूर्नामेंट में सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैच के मैन ऑफ द मैच रहेंगे अमर, 14 गेंदे और 21 रन, इस मैच के मैन ऑफ द मैच अमर। तो इस बीच विदा लेता हूं, कोल्हापुर या संघाचा प्रभूत संघातील कोल्हापुर अर्थातच अमर, अमरला या ठिकाणी आकर्षक चषक दिले जात आहे। दत्ता मिठबावकर, प्रदीप जेटे, सन्माननीय प्रदीप जेटे।